Caio, Leo, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड रीजन में, इसे यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे उनमें टॉपिक्स रहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट एंड डायमेंशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड और प्रीवियस नीट एंड जेईई क्वेश्चंस। फिजिकल क्वांटिटीज को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सेकेंड पार्ट ड्राइव पार्ट फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंटरी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक वर्ड में बोले तो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती, इंडिपेंडेंट है। मेरा मतलब जैसे आपको मास लिखना है तो आप सीधा लिखोगे किलोग्राम, स्पीड लिखना है तो आपको लिखना होगा स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए डिस्टेंस और टाइम दो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, जबकि ओनली हम तो इट मीन्स ये फंडामेंटल नहीं है। मेरी बात समझ गए होगे, फंडामेंटल कौन सी है? मास, एक वर्ड में इंडिपेंडेंट है, 1 kg, 2 kg, 3 kg। मास के बाद लेंथ, लेंथ को हम कर सकते हैं 1 meter, किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है, क्लियर। टाइम सेकंड, किसी तीसरी की आवश्यकता नहीं, करंट एम्पियर किसी की जरूरत नहीं है, अदरवाइज फोर्स लेना, फोर्स हम क्या करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की जरूरत पड़ी एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ी, जबकि तो इट मीन्स ये फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्लियर। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक वर्ड में हम ले सकते हैं ये कैसी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट, क्लियर, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती। इनके मैं एग्जांपल आपको जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये बेसिक ले सकते हैं। कहां आवश्यकता पड़ी इनको क्लासिफाई करने के लिए, जब हम मास को लेंथ को इनके मेजरमेंट पर जाएंगे, हम कहें कि इसकी लेंथ इतनी है, इतनी है, इतनी है, सो मच कंफ्यूजन। तो इसके लिए डिसाइड किया कि इनकी कोई पर्टिकुलर यूनिट हो और इनकी कैटेगरी हो। हम अभी यूनिट की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये कैसी हैं, डिपेंडेंट हैं। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो डिपेंडेंट है। क्या कह सकते हैं, इस पर डिपेंड कर रही है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अभी अपन बात की कौन कौन सी, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, स्पीड को हमें करना है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल,
फंडामेंटल नहीं है, ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। इसके लिए हमें डिस्टेंस और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायर्ड है। इसको एक्सप्रेस करना है तो ये लेंगे, हमें फोर्स लेना है, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इक्वल्स मास फंडामेंटल है लेकिन एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल नहीं है और ये भी फंडामेंटल नहीं है। फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटीज की हमें आवश्यकता होती है, तो ये है ड्राइव। हम कहें ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ये डिसाइडेड है मेनली सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है? सात प्रकार, सेवन प्रकार। कौन कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना हो गया? सेवन। कौन कौन सी है रिपीट करेंगे ना सर? गुड। फर्स्ट कौन सा है? मास। सेकंड कौन सा है? लेंथ। थर्ड कौन सा है? टाइम। फोर्थ कौन सा है? टेम्परेचर। फिफ्थ कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स कौन सा है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और सेवन कौन सा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिसाइड है कितने टाइप के हैं? सेवन टाइप के, आप याद कर सकते हैं। क्लियर? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज का नंबर नहीं, तो जितने आप इसको पढ़ते जाओगे, जितने फिजिकल क्वांटिटीज सोचोगे, अब रिमेनिंग सभी क्या है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? इनके अलावा जो तीसरी कैटेगरी हमने बनाई है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में दो को शामिल किया गया है। नंबर एक प्लेन एरिया, प्लेन एरिया, और नंबर दो सॉलिड एरिया, सॉलिड एरिया, सॉलिड एरिया। अभी हमारा मकसद कितना ही था? कितने टाइप की? दो टाइप की। प्लेन एरिया थोड़ा सा बता दो, आप अभी तक 10th क्लास तक पढ़ते आए हैं ना, किस तरह से ये कोई मोड लाइन और ये रोटेट होकर यहां पर है, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट थीटा, ये जो हम ले रहे हैं ये कितना है? प्लेन एंगल। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 360 यानी 2π। यही पढ़ा है? क्लियर? प्लेन एंगल 2D एंगल भी ले सकते हैं, सॉलिड एंगल अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। 2D एंगल क्या है? सॉलिड एंगल। ये 3D एंगल ले सकते हैं। सॉलिड एंगल क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस। किस तरह से? देखो ये कोई सरफेस एरिया लिया है, पार्ट ऑफ सरफेस। ये जो यहां पे सेंटर पर जो एंगल बना रहा है ये सॉलिड एंगल। सर ये भी हो गया? नहीं, देखो मूंगफली वाले से मूंगफली ये मूंगफली चले कागज पर लिपेट के देता, उस शेप को क्या बोलते हो? तो कौन कौन से बने कौन से में अब जो कंप्लीट एक सर्कल जो एंगल बन रहा है वो सॉलिड एंगल। कोण को दबा दोगे ट्राइंगल बनेगा, प्लेन एंगल बनेगा, और कोण कैसा था? कंप्लीट सर्कल बन रहा था, समझ गए? जिसमें मूंगफली वाला मूंगफली लपेट के देता है। खाई आपने कभी? चने वाले से चने लिए कभी ठेले पे? बिल्कुल उसको आप जैसे कोण बनेगा तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या है? सॉलिड एंगल। आप समझ गए होंगे, तो हम इसको ये सरफेस एरिया, यहां हम ये 2π मैक्सिमम सॉलिड एंगल को ओमेगा से, जैसे इसको थीटा से ओमेगा से, और मैक्सिमम
फोर, थ्री डी एंगल कह सकते हैं। इसका जो मेजरमेंट करते हैं हम डिग्री या रेडियन में करते हैं, और इसका जो करते हैं वो स्टेरेडियन में करते हैं। इसका जो मेजरमेंट करते हैं वो किसमें करते हैं, स्टेरेडियन में। अभी अगर यूनिट्स की बात करेंगे, अभी मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस किया मैंने, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप में डिवाइड किया, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंटल। फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, गुड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्लियर। डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इट मींस डिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इनको एक्सप्रेस करने के लिए जब हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे जाना पड़ता है, इट मींस ये कैसे डायरेक्ट। और दो ये अलग से जो एंगल की बात कर रहे हैं, इनको किस कैटेगरी में किया है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2D एंगल, सॉलिड एंगल 3D एंगल, क्लियर। तो इस तरह से हमने ये किया। अब बात करेंगे मेजरमेंट की। मेजरमेंट का मतलब हम अब बात करेंगे यूनिट एंड सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यूनिट एंड सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इसकी कहां हो सकता है, मास है, हम क्या कहें मास कितना है, इतना है, इतना है, लेंथ कितनी है, कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर एक सिंपल तरीका निकाला कि हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है, जैसे सिंपल ट्रेडिशनल मेथड है, ये डोरी लेंगे, यहां से हम मेजर करेंगे, मार कर लेंगे दैट द लेंथ। लेकिन ये अपने यहां पे हम कल इंटरनेशनल लेवल पे किसी और कंट्री में चलेंगे, फिर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए क्या बनाया गया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया कि मास को एक पर्टिकुलर यूनिट दी जाए, लेंथ को एक पर्टिकुलर यूनिट दी जाए, और उससे हम यूनिट और सिस्टम्स डेवलप किए। तो यूनिट एंड सिस्टम्स की बात करेंगे, इसलिए जब हम फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए देखो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये तो मैंने क्यों लिखा था फिजिकल क्वांटिटी, इसकी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इनटू यूनिट, दो चीजों की जरूरत। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हमने किलोग्राम को पढ़ना है, हम बोलेंगे 1 kg, समझ गए, मुझे मास को पढ़ना था, और मास का एग्जांपल क्या था, 1 kg, 2 kg, 1, this is numerical, kg, it means unit। अब समस्या हो गई, हमें लेंथ को एक्सप्रेस करना है, तो हम कोई भी पर्टिकुलर लेंथ हमने लिया 2 meter, तो 2 meter numerical value, meter क्या हो गया, unit हो गया। इनसे मीटर सेंटीमीटर पर लिखा जाता है डिस्टेंस, तो इट मींस ये एक पर्टिकुलर मीटर एक सिस्टम है, यूनिट का सेंटीमीटर लिखा तो अदर सिस्टम है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है कि क्यू इन वन सिस्टम एन वन यू इक्वल टू एन टू यू, इट मींस एन इंटू यू हमेशा क्या रहेगा, इनका प्रोडक्ट जो आएगा कॉन्स्टेंट रहेगा, या ये कह सकते हैं एन इनवर्सली यू, इट मींस यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यूनिट बड़ी है न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। बात समझ लो, जिसे हमने यहां लिखा 1 meter, 1 क्या है एन न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर क्या है यूनिट, हम इसको अदर यूनिट सिस्टम में क्या लिखते हैं, 1 meter 100 सेंटीमीटर,
तो यूनिट सेंटीमीटर स्मॉल होगी और ये क्या हो गया लार्ज हो गया, ठीक है। एन इंटू देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इट मींस फर्स्ट यूनिट सिस्टम में एन वन यू वन, सेकेंड यूनिट सिस्टम में एन टू यू टू, समझ गए हमने। जिसे हमने 1 केजी, 1 केजी को हम क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, क्लियर। यहां पे ये क्या है एन वन, ये क्या है यू वन, इक्वल टू ये क्या है एन टू, ये क्या है यू टू, तो एन यू हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट। समझ में आती है फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डिग्री। दी अदर वे करना है एन1 यू1 इक्वल टू एन2 यू2 इक्वल टू एन3, एन यू इक्वल टू में से क्या रहेगा एन इनवर्स के प्रोपोर्शनल टू यू, यूनिट क्लियर। आई बात समझ। अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें ये कितने टाइप्स के हैं, मेनली 3 कैटेगरी हम दे सकते हैं जो डिसाइड होते हैं। एमकेएस सिस्टम, सेकंड सीजीएस सिस्टम, थर्ड एमपी एस सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, कितने सिस्टम है 3 सिस्टम, एमकेएस सीजीएस एंड एफपीएस, क्लियर। एमकेएस देखो इनके मीनिंग इसी में छुपे हुए, मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसका मीनिंग बनाओ तो गुड गुड टाइप से क्या हो सकता है फुट पाउंड सेकंड। इट मींस देखो एम मीटर, इट मींस यहां पे हमें इस सिस्टम को काम में लेना है, लेंथ को किसमें रिप्रेजेंट करेंगे मीटर, के किलोग्राम, हमें मास को रिप्रेजेंट करना है किसमें करेंगे किलोग्राम, एस सेकंड, टाइम को रिप्रेजेंट करना है किसमें करेंगे सेकंड, यहां पे सेंटीमीटर, लेंथ को किसमें सेंटीमीटर, गुड, मास को किसमें ग्राम, टाइम को किसमें सेकंड, यहां पे डिस्टेंस लेंथ को किसमें फुट, मास को किसमें पाउंड, सम टाइम को किसमें सेकंड, इनमें कॉमन कौन है सेकंड। तीनों सिस्टम्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कॉमन क्या है टाइम की यूनिट जो है सेकंड है, एमकेएस सीजीएस एफपीएस तीनों सिस्टम। सीजीएस को गाउसियन सिस्टम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको गाउसियन सिस्टम, नेम ऑफ साइंटिस्ट गाउसियन सिस्टम। एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है, एफपीएस को क्या बोला जाता है ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है। मैं एक्सप्रेस कर दूं देखो, जैसे हमें 3 टर्म बेसिकली है, लेंथ मास एंड टाइम, हमें लेंथ को रिप्रेजेंट करना है किसमें एमपीएस में, क्या लिखोगे मीटर, सीजीएस में लेंथ को लिखना है क्या लिखना है सेंटीमीटर, शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं सीएम, इसको स्मॉल एम से। यहां पे यदि एमपीएस में करना है तो किस में लिखेंगे फुट में, मास एमपीएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम किलोग्राम, किलोग्राम केजी, सीजीएस सिस्टम में लिखना है तो किस में चेंज करेंगे हम ग्राम, एमपीएस में जाएंगे तो पाउंड टाइम, बता तीनों सिस्टम में क्या है सेकंड, यहां भी क्या है सेकंड और यहां भी क्या है सेकंड, क्लियर। मैं इसको आपको और एक बात बता दूं, देखो फॉर एग्जांपल आप इनको फिजिक्स का एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ सकते हैं। देखो यहां पे मैंने लिखा 1 मीटर, तो हम बात कर रहे हैं
ये एक सिस्टम है, देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.28 के, अब उसको जनरल से नहीं बन मिलेगी आपकी 1 मीटर एमकेएस, सेंटीमीटर में लिया था हमने सीजीएस और फुट में लिया था सिस्टम कौन सा हो गया एफपीएस। तो इस तरह से हमें इनकी जट पड़ती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। क्लियर? ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद में, इनको भी हम अब कंप्लीटली किसमें पढ़ना है, हमें फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंटरी यूनिट्स। अभी उतने डिस्कस किया वो क्या था, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड की थी, फंडामेंटल, ड्राइव एंड सप्लीमेंटरी। तो यूनिट को भी हम किस में डिवाइड करेंगे, तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फंडामेंटल, ड्राइव एंड सप्लीमेंटरी। तो मैं वापस एक बार आपको जो सेवन टाइप की आपको बताई थी उनकी बात कर रहा हूं। देखो फर्स्ट कैटेगरी हम क्या ले रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या लिखे हैं, सेवन टाइप्स। सेवन टाइप्स में आप अभी आपको याद होगी होंगी, वैसे आप वापस रिपीट करेंगे। पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज का नेम लिख रहे हैं, मास। सेकेंड लेंथ, थर्ड टाइम, आप नोट भी कर सकते हैं, तीन बेसिक मास लेंथ टाइम, फोर फिजिकल क्वांटिटी। तो अब देखो हमने तीन सिस्टम की बात की, कौन कौन से की बात की थी, ध्यान देना, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। ये जो सिस्टम था इसमें तीन बेसिक मास लेंथ एंड टाइम को इन्वॉल्व किया, फिर जरूरत और पड़ी तो क्या बना गया, और कौन सा है, एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। तो अभी हमें कौन सा अप्लाई करना है, सिस्टम इंटरनेशनल। एमकेएस और एसआई में तीन बेसिक कॉमन ही, सिस्टम इंटरनेशनल में तीन की बजाय कितने, सेवन टाइप्स की यूनिट्स शामिल कर दिए। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं एसआई सिस्टम की, देखो कितनी मास लेंथ, कंफ्यूजन नहीं जरूरत नहीं। देखो अभी हमने डिस्कस किया एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस, तीन बेसिक। तो यहां देखो मीटर किलोग्राम सेकंड, इट मींस तीन फिजिकल क्वांटिटीज और तीन यूनिट्स को, फंडामेंटल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ स्टडी आगे हुई, पता पड़ा टेम्परेचर है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, इनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, और इनको भी बेसिक यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में शामिल किया गया। ये काम किसने किया, ऐसा ही सिस्टम में रहता है। फर्स्ट टाइम जो हम बात कर रहे हैं सेवन टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज है, वो कौन से सिस्टम की है, ऐसा सिस्टम की। तो सेवन टाइप का तीन को यही शामिल है, मास लेंथ टाइम। फोर्थ हम ले रहे हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर। फिफ्थ हम ले रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। गुड, सिक्स सुना होगा आपने क्या होगा था, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो डिटेल से समझाएंगे अभी, मैं अपना मकसद कितनी है क्वांटम्स की, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या है इसको हम आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितनी होगी, ये मास लेंथ टाइम टेम्परेचर करंट इलेक्ट्रिसिटी ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना हो गया, सेवन टाइम्स। अब हम इसकी बात करेंगे, ये तो फिजिकल क्वांटिटीज, इनकी बात करेंगे यूनिट मास। एमकेएस में इसको या एसआई सिस्टम में मास को किसमें लिखना है, किलोग्राम, किसमें लिखना है, किलोग्राम। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, केजी। लेंथ किसमें लिखना है हमें, मीटर।
शॉर्ट फॉर्म स्मॉल एम से नोट करेंगे। टाइम इसमें मेजर करेंगे सेकंड, शॉर्ट में इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन, शॉर्ट में इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट क्या है इसकी, एम्पेयर। करंट को किसमें मेजर करते हैं, एम्पेयर, शॉर्ट में किससे लिखोगे, ए से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपके लिए नया नंबर बिटेक पर क्या है, आगे पर इसको डिस्कस करेंगे। अभी क्वांटिटी आपके याद होगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट भी याद करें कैंडेला। क्या बोला, कैंडेला। शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल। इसमें मेजर करेंगे इसको, मोल। गुड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं MOL, मोल। इस तरह से हमने ये SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिसमें मास, लेयर, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनके यूनिट आपके याद होंगे। मास मींस किलोग्राम, लेयर मीटर, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट इलेक्ट्रिसिटी एम्पीयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें मेजर करेंगे, मोल। क्लियर। और इसके बाद अब जितने ही बच गए वो सब क्या है, जायंट है। फिर सप्लीमेंट्री में हमने दो ही लिए थे, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, एक फिर स्टूडी एंगल। इसका यूनिट क्या था, रेडियन, रेडियन, शॉर्ट में आरबीटी कोड से लिख सकते हैं। फिर सॉलिड एंगल, जो अभी आपने बताया था ये कौन सी यूनिट की बात हुई है, सप्लीमेंट्री में दो ही है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, कौन सा थे, 3D एंगल। 3D एंगल को किसमें, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, शॉर्ट में इसको SR से लिख सकते हैं। क्लियर। आज हमने क्या डिस्कस किया, मैं एक बार वापस क्लियर कर देता हूं। हमने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है, फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचर, और उसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ेंगे इनकी एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, इनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इनकी PDF फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। थैंक यू सो मच।